हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अरबी के पत्ते की नई रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। एक कटोरी भीगा हुआ चना ले लेंगे। इसमें जो है इस अंकुरित हो गया है, तो अगर आप लोग का अंकुरित नहीं हुआ है तो सिंपल चना भी ले सकते हैं। अब एक कटोरी गर्म पानी में चना को छोड़ देंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में उबलने के लिए छोड़ देंगे। चना जो है उबल गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अब इसको छन्नी की मदद से निकाल लेंगे। अब इसको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने के लिए। अब मैंने 10 से 12 अरबी के पत्ते ले लिए हैं। इसको अच्छे से साफ पानी में धो के ले लिया। अब इसको छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेंगे। अब एक अरबी के पत्ते ले लेंगे और इसके जो पीछे शायद डंठल रहता है उसको अच्छे से निकाल लेंगे। अरबी के पत्ता का जो है इस तरह से अगर बना के खाइएगा दाल चावल के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह करके इसका जो है डंठल सारे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसका डंठल निकलता है। तो एक एक करके जो है सभी अरबी के पत्तों का डंठल इस तरह निकाल के इसको पतला पतला करके चीरा लगा लेंगे हाथे से। अरबी का पत्ता का पकौड़े जो है आप लोग बहुत बार बना के खाए होंगे, एक बार इस तरह से ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरह से जो है मैंने चीरा लगा लिया। इसी तरह से जो है सभी साग को चीरा लगा लेंगे। उसके बाद जो है इसको चाकू की मदद से काट लेंगे पतला पतला। इस तरह से क्या है ना कि ये जो है बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो ये देखिए इस तरह से जो है इसको पतला पतला काट लेंगे। पहले इसको बीच में काट के 2 हिस्सों में बांट लेंगे। उसके बाद जो है इसको हाथों की मदद से इस तरह से कस के पकड़ लेंगे और इसको जो है काटेंगे। अगर आप लोग चाहे तो इसको नहीं भी काट के बना सकते हैं। तो काटने से क्या होता है कि जल्दी से जो है पक जाता है साग। तो चाकू की मदद से इस तरह से पतला पतला काट लेंगे। आप लोग चाहे तो इसमें चना नहीं भी मिक्स कर सकते हैं, सिर्फ अरबी के पत्ता का ही जो है बना सकते हैं। तो इसके बाद मैंने कुछ मसाले काट के रखे हैं। तो मसालों में मैंने एक प्याज काट के रखा है, 2 हरा मिर्च और लहसुन की 10-20 कलियाँ और एक कटा हुआ टमाटर। अब एक गैस में कढ़ाई गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो उसमें कटा हुआ अरबी का पत्ता डाल देंगे। और इस साग की रेसिपी जो है बहुत ही मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है। हाई फ्लेम में पकाने से ये जल भी सकता है, तो इसको ज़्यादातर मीडियम फ्लेम में ही पकाते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद इसको ढक के छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि ये जो है साग थोड़ा सा नरम हो जाए। तो ये देखिए 2 मिनट बाद हम इसको निकाल के देखते हैं, ये जो है नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा नरम हो गया है। अब इसी तरह करके इसको 2 से 3 मिनट पका लेंगे और ये साग जो है बहुत ही जल्दी पक जाता है। अब इसमें जो उबला हुआ चना था उसको ऐड कर देंगे और हल्का सा 2 से 3 चम्मच पानी भी इसमें ऐड कर देंगे, ताकि चना जो है अच्छे से पक जाए। और इसको मिक्स कर देंगे और आप इसमें ढक्कन ढक के 2 मिनट छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद फिर इसको जो है चलाते रहेंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहना है, वरना जो है ये कढ़ाई में चिपक सकता है। तो ये देखिए साग जो है अभी लगभग बन ही गया है। अब एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट में जो है सभी सागों को निकाल के रख देंगे और इसी कढ़ाई में इसको तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए कढ़ाई साफ करके फिर से जो है इसको गर्म कर लेंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच तेल ले लेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हरा मिर्च और लाल मिर्च दोनों जो है छोड़ देंगे और ये जब चटक जाएगा तो इसमें लहसुन की कलियाँ छोड़ देंगे। लहसुन का कलिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है साग में, तो जब भी आप कोई साग बनाए तो इसमें लहसुन का कलिया दे के ही तड़का लगाएं। अब इसमें एक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि प्याज जो है नरम हो जाए।
ये देखिए प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें कटा हुआ टमाटर भी जो है ऐड कर देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट बाद इसमें हम नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर और प्याज जो है और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। प्याज और टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें जो साग निकाल के रखे थे उसको ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको इस तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसी तरह इसको चलाते रहेंगे ताकि ये साग जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तब ये देखिए साग जो है बन के तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा और अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।